हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम पढ़ रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट, और आज हम पढ़ेंगे कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी आती है कॉस्ट लीडरशिप। इसमें हमारे पास सबसे कम कॉस्ट का प्रोडक्ट होना चाहिए इंडस्ट्री के अंदर। इसकी करेक्टरिस्टिक है कि कॉस्ट एफिशिएंसी, हमें फोकस करना चाहिए कि हम कॉस्ट एडवांटेज को यूज़ कर सकें और इकोनॉमीज ऑफ स्केल के थ्रू कि हम अपना प्रोडक्शन जो है हाई कर सकें और हमारा जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो लो रहे, और इसमें हम एफिशिएंट प्रोडक्शन की प्रोसेसेस को यूज़ कर सकते हैं और कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। तो इसमें हम ऑफर करते हैं लो प्राइस अपने कंपेटिटर के कंपैरिजन में, और हम मेंटेन करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को। इसकी एडवांटेज पढ़ लेते हैं। तो अट्रैक्ट प्राइस सेंसिटिव कस्टमर। तो हम प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं जिससे कि हमारा मार्केट शेयर जो है इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि हमें एक बफर मिल जाता है कि हम कंपेटिटिव प्रेशर को झेल सकते हैं और मार्केट के डाउनटर्न के लिए भी हम रेडी रहते हैं। नेक्स्ट आता है चैलेंजेस। तो इसमें हमें कांस्टेंट कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ता है और ऑपरेशन में एफिशिएंसी लानी पड़ती है। इसका नेक्स्ट चैलेंज है कि ये इसकी कॉस्ट कंट्रोल की वजह से, कॉस्ट लीडरशिप की वजह से हमारे पास बहुत कम मार्जिन रह जाता है प्रॉफिट का, जिसकी वजह से हमारा फोकस जो है कम हो जाता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के ऊपर। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएशन। तो इसमें हमें ऑफर करना होता है अपना यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट या फिर सुपीरियर हो जाता है अपने कंपेटिटर्स से। नेक्स्ट आता है करेक्टरिस्टिक। तो पहला आता है यूनिक फीचर। हमारे जो प्रोडक्ट है उसके पास यूनिक एट्रीब्यूट होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए या फिर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो कि जस्टिफाई करे हमारा प्रीमियम प्राइस। नेक्स्ट आता है कस्टमर लॉयल्टी। तो इसमें हम क्रिएट करते हैं एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी अपने कस्टमर के परसेप्शन की वैल्यू के साथ। नेक्स्ट आता है एडवांटेज। तो इसमें हम अलाउ करते हैं कि ज़्यादा प्राइस हम रख सकते हैं और जिसकी वजह से हम ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि रिड्यूस प्राइस सेंसिटिविटी। इसमें हम प्राइस सेंसिटिविटी को कम कर देते हैं जिसकी वजह से कस्टमर की लॉयलिटी एनहेंस होती है। नेक्स्ट आता है चैलेंजेस। तो इसमें हमें रिक्वायर होता है कि हम कंटिन्यूअस इनोवेशन लाते रहें अपने प्रोडक्ट में और इन्वेस्टमेंट करें हम रिसर्च और डेवलपमेंट में अपने प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट आता है हायर कॉस्ट। जो है हायर कॉस्ट की वजह से जो हमारा प्रोडक्ट का क्रिएटिंग होता है और मेंटेनिंग जो होता है प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट आती है फोकस स्ट्रेटेजी। इसमें हम टारगेट करते हैं एक स्पेसिफिक सेगमेंट को मार्केट के अंदर, और उस सेगमेंट के अनुसार ही हम प्रोडक्ट और सर्विस अपनी क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉस्ट फोकस। तो इससे हम अचीव कर सकते हैं कॉस्ट लीडरशिप एक स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएशन फोकस। तो ये हमें ऑफर करता है यूनिक प्रोडक्ट या फिर सर्विस जो कि टेलर मेड होता है पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है करेक्टरिस्टिक। तो इसमें पहली करेक्टरिस्टिक है मार्केट नीश। तो इसमें हम कंसंट्रेट करते हैं एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स पे या फिर एक ज्योग्राफिक एरिया के जो कस्टमर होते हैं उनके ऊपर। नेक्स्ट आता है स्पेशलाइज्ड ऑफरिंग। तो इसमें प्रोडक्ट और सर्विस को हम डिज़ाइन करते हैं ताकि हम कस्टमर की यूनिक नीड्स या फिर टारगेट सेगमेंट को फुलफिल कर सकें। अब इसमें एडवांटेज आता है। तो ये हमें अलाउ करता है कि हमारे पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में और हमारे पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारे टारगेट मार्केट के बारे में। नेक्स्ट आता है कि हम रिड्यूस कर सकते हैं कंपटीशन को और हमारा जो टारगेट मार्केट है उस पे फोकस करके और उनकी यूनिक नीड्स पे फोकस करके। नेक्स्ट आते हैं चैलेंजेस। तो हमारा लिमिटेड हो जाता है मार्केट साइज, जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ का जो पोटेंशियल है वो हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत होती है, जिसकी वजह से हम नीश मार्केट पे फोकस कर पाते हैं और जो पोटेंशियल शिफ्ट होता है वो कस्टमर प्रेफरेंसेस की तरफ होता है।
अब इसका समरी देख लेते हैं। तो कंपेटिटिव स्ट्रेटेजीज जो होती है, ये हमें एक फ्रेमवर्क देती है कंपनीज के लिए, ताकि हम अचीव कर सकें सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज को, और हम फोकस कर सकें कॉस्ट लीडरशिप के ऊपर, डिफरेंशिएशन के ऊपर, और फोकस्ड अप्रोच रहे हमारी, और जो हमारी कंपनी है वो टेलर मेड प्रोडक्ट बनाए और टेलर मेड स्ट्रेटेजीज बनाए, जिसकी वजह से हमारी जो स्ट्रेंथ है और मार्केट अपॉर्चुनिटीज हैं उनको हम लेवरेज कर सकें। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।